हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नाम अधर्मो अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। देखिए, युद्ध भूमि में लड़ने के लिए पुरुष आए और उसमें भी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब बड़े बड़े लोग आए, द्रुपद महाराज, शाल्य, ये सब यानी अपने घर के, अपने राज्य के ये सब लीडर्स हैं और इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है इनकी? इनकी जिम्मेदारी ये है कि देखना कि उनके परिवार में, उनके राज्य में सबका शुद्धिकरण हो। ये क्या है शुद्धिकरण? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, स्पिरिचुअली सैनिटाइज करना है। आजकल यही शब्द चल रहे हैं ना, सैनिटाइज करो। सैनिटाइज मतलब क्या? शुद्ध करो। लेकिन ये तो भौतिक स्तर पे है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण और इम्यूनिटी बढ़ाना, आध्यात्मिक शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ाना कि वो व्यक्ति प्रभावित न हो अनर्थों से, अपराधों से। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़ों की जिम्मेदारी। लेकिन प्रभु अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि प्रभु, अगर ये सब मारे गए तो कौन देखेगा राज्य में क्या हो रहा है, कौन शुद्धिकरण करेगा? देखिए, शुद्धिकरण के लिए अलग अलग चीजें होती है। जात संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, शिक्षा संस्कार होता है। विवाह संस्कार शुद्धि के लिए होता है। बिना विवाह के आज हम देख रहे हैं, बिना विवाह के लोग संबंध बना रहे हैं, कहां कैसे शुद्धिकरण होगा? शिक्षा नहीं मिल रही है, आध्यात्मिक शिक्षा आज हम ये सब देख रहे हैं। गर्भदान संस्कार नहीं हो रहा, तो अशुद्धि बढ़ती जा रही है समाज में। इसी अशुद्धि का कारण है लोगों के अंदर अनर्थ भी बढ़ रहे हैं और बाहर से प्रदूषण भी बढ़ रहा है, और ये वायरस भी उसी अशुद्धि का कारण है। ये मत सोचिए कि वायरस कुछ नया है, वही अशुद्धि का, अंदर की अशुद्धि बाहर आई और बाहर से वायरस प्रकट हुआ। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? बड़ों की। लेकिन ये सब मारे जाएंगे प्रभु, तो फिर कैसे होगा? घर में कौन बचेगा? महिलाएं, माताएं बचेंगी? कौन सिखाएगा धर्म? और माताएं क्या कहेंगी, घर की महिलाएं क्या कहेंगी? ये क्षत्रियों ने, ये पुरुषों ने सारे नियम तोड़ दिए, अधर्म के रास्ते पर चले। क्यों? अपने भाई को मार दिया, अपने मामा को मार दिया, चाचा को मार दिया, ताऊ को मार दिया, ससुर को मार दिया, पुत्र को मार दिया। अभिमन्यु को मारा ना, दुर्योधन के पुत्र समान ही तो है ना, कर्ण के पुत्र समान है, अर्जुन का पुत्र है, तो क्या आपके पुत्र समान है? वह मार दिया। तो महिलाएं सोचेंगी घर की कि ये तो सब अधर्म पे आ गए, हम भी अधर्म के रास्ते पे चलेंगे। सोचिए, स्त्री अधर्म के रास्ते पे चलेगी तो क्या होगा? वर्ण संकर ये आगे आएगा। जो संतान की उत्पत्ति होगी बिना शुद्धिकरण के, वो संतान असुरी होता है, असुरी प्रवृत्ति होती है उसके अंदर। आज प्रायः पूरे संसार में ऐसे ही हो रहा है, इसलिए आसुरी प्रवृत्ति पूरे संसार में बढ़ रही है। तो इसको कौन संभालेगा? तो अर्जुन का कहना सही है, लेकिन मान लीजिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चला गया, भगवान ने बोला ठीक है युद्ध नहीं करेंगे, तो राजा कौन रहेगा? दुर्योधन। ये वही दुर्योधन है जिसने 20,000 राजाओं की सभा में द्रौपदी, जो कि महारानी है इंद्रप्रस्थ की, क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे, महारानी के कपड़े उतारने की ये हिम्मत रख सकता है। ये कितना बड़ा पापी, कितना असुर है कि ऐसी भरी सभा में एक स्त्री को, वो भी महारानी को, उसके वस्त्र निकाल रहा है। तो ये राजा रहेगा तो सोचिए क्या सुरक्षित रहेंगे संसारी लोग? इस संसार के लोग सुरक्षित रहेंगे? ये व्यक्ति जो अधर्म से चल रहा है, ये कैसे धर्म फैलाएगा? भगवान ये समझाएंगे अर्जुन को, इसीलिए उसको हटाना जरूरी है। कई बार आप कुछ खेलने जाते हैं या वॉक पे जाते हैं तो चप्पल उतार के ना घास पे चलते हैं,
तो कभी कभी कांटा घुस जाता है अंदर, देखेगा आप उसको निकाल देते हैं लेकिन उसमें से कई बार छोटा टुकड़ा अंदर रह जाता है चमड़ी में, पैर में। फिर आप पैर धोते हैं, नहाते हैं, धीरे धीरे वो पानी अंदर जाता है थोड़ा सा, और वह पकना चालू हो जाता है, पस भर जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाकर उसको कटवाना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं 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 काटेंगे, तो और बढ़ेगा बढ़ेगा, पूरे पैर में आपके पस भर जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे। तो ये अधर्म भी ऐसा है, थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं अर्जुन के द्वारा। अर्जुन ये पाँव में घाव हो गया है, वो अंदर जो थोड़ा सा तिनका घुस गया है ना, उसके कारण पस भर गया, वहां पे पूरा काट के निकालना पड़ेगा, अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी, ये सर्जरी करनी पड़ेगी। इसी सर्जरी का नाम है धर्मयुद्ध जो भगवान करा रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी ये देखना चाहिए, पहले तो बड़ों की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लें और ये संस्कार परंपरा से दें बच्चों को। तो इससे क्या होगा, इससे लोग धर्म का पालन करेंगे और हर जगह धर्म बढ़ेगा। जब जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे सर्जरी की जरूरत है। लेकिन ये कौन करा रहे, भगवान कृष्ण के निर्देश में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हथियार उठाएं और चले जाएं युद्ध करने के लिए, वो हमें अधिकार नहीं है। वो अधिकार राजा का होता है, राजा प्रतिनिधि होते हैं भगवान के। हरे कृष्ण।